पुलिस लाइन दुर्ग में झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि वरिष्ठ पदाधिकारी गण सुरक्षा बलों के जवानों को श्रद्धांजलि देकर राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप दिनांक 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि वरिष्ठ पदाधिकारी गण सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाई बहनों की स्मृति में 25 मई को प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्देश के परिपालन में आज दिनांक 25/5/2023 को पुलिस लाइन दुर्ग में झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि वरिष्ठ पदाधिकारी गण सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाई बहनों की स्मृति में डॉक्टर अभिषेक पल्लव पुलिस अधीक्षक दुर्ग एवं जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई एवं राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने हेतु शपथ दिलाई गई। दिनांक 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि वरिष्ठ पदाधिकारी गण सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाई बहनों के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम छत्तीसगढ़वासी अपने राज्य में अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के नक्सलवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम छत्तीसगढ़ राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।